बादलों के बीचों बीच एक परी लोक था जिसमें हेमा नाम की परी रहती थी। हेमा को अपने परी होने पर बड़ा ही घमंड था। उसकी इस बात पर परी लोक की रानी ने उसे कई बार समझाया कि वो खुद पर इतना घमंड ना करे, लेकिन हेमा किसी की बात मानती ही नहीं थी। उसे जब भी मौका मिलता वो धरती लोक पर जाकर लोगों को डराती। एक दिन वो फिर से धरती लोक पर एक गांव में जाती है, जहां वो सभी गांव वालों को एक कतार में खड़े होने के लिए बोलती है। आज से तुम लोग मेरी पूजा करोगे। अगर तुमने किसी और की पूजा की तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। पर जी, हम तो यहाँ भगवान की पूजा करते हैं, हम आपकी पूजा कैसे कर सकते हैं? अरे ओ मामूली से गांव वाले, तुम मुझसे बहस करना चाहता है? तुझे पता भी है कि मैं एक परी हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अभी तेरी मृत्यु को दावत दे सकती हूँ। तो तुम्हारे लिए यही सही होगा कि जो मैं बोलूँ वही करो। गांव वालों के पास परी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। उन्हें अपनी मौत का डर सताने लगता है, इसीलिए वो उसी दिन से परी की पूजा करने लगते हैं। परी को ये देखकर बड़ी ही खुशी मिलती है कि लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, और जब भी उसका मन करता वो गांव में आ जाती और चली जाती। एक दिन गांव में कुछ साधु आते हैं, लेकिन वहाँ का ये नजारा देखकर वो सभी से पूछते हैं, गांव में ये सब क्या चल रहा है? जहाँ भगवान की पूजा होनी चाहिए वहाँ आप इस परी की पूजा कर रहे हैं। जी वो घबराओ नहीं, बताओ क्या बात है? जी ये जो परी है, इसने हम लोगों को बोला है कि अगर हम इनकी पूजा नहीं करेंगे तो ये हमें मार देगी, इसलिए हम इनकी पूजा कर रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, तुम लोग एक काम करो, तुम इसकी तस्वीरें यहाँ से हटाओ और अपने भगवान की तस्वीर यहाँ लगाओ। तुम में से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। इतने में हेमा वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि कोई भी गांव वाला उसकी पूजा नहीं कर रहा। ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुम लोगों को मेरा जरा सा भी खौफ नहीं है ना? लगता है कि तुम सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। हेमा बोल ही रही होती है कि तभी साधु बोलता है, अपने परी होने पर इतना भी घमंड मत करो कि तुम अपना ही नुकसान करवा बैठो। नुकसान? और वो भी मेरा? क्यों पागलों जैसी बात कर रहे हो? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं एक परी हूँ, परी, समझे? हेमा की बात पर साधु को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे श्राप दे देते हैं। सुन परी, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक मौत वाली परी बन जाएगी। तू शाम होते ही अपने जिस भी प्रियजन के पास जाएगी उसकी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर परी को लगता है कि शायद साधु उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तभी वो साधु से बोलती है, मुझे कोई श्राप नहीं लग सकता, तुम क्या मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर हेमा वहाँ से परी लोक की तरफ चली जाती है। परी लोक जाकर वो इस बात पर खूब हंसती है कि धरती के लोग इतने पागल कैसे हो सकते हैं। इसी तरह शाम हो जाती है और हेमा अपनी पालतू बिल्ली के पास जाती है, लेकिन वो जैसे ही उसके पास पहुँचती है बिल्ली उसे देखकर मर जाती है। ये देखकर हेमा बहुत घबरा जाती है और कहती है, सोचते सुबह हो जाती है और वो जाकर परी लोक की रानी को ये सारी बात बताती है। ये सुनकर रानी उससे कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इतना घमंड अच्छा नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। रानी जी, अब मैं क्या करूँ? इस श्राप के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी तो नहीं बिता सकती। मेरे ख्याल से तुम्हें वापस धरती पे जाकर उस साधु से पूछना चाहिए। रानी परी की बात मानकर हेमा धरती पर जाती है
और साधु को ढूंढकर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने घमंड में आकर आप सभी को तुच्छ समझ लिया, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। तुझे अपनी सुंदरता पर बड़ा ही घमंड था ना? देख, तेरी सुंदरता को देखकर अपने ही आप तेरे चाहने वाले मर रहे हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास है, अपने श्राप को वापस ले लीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब तुझे ऐसे ही रहना होगा। ये कहकर साधु वहाँ से चला जाता है और हेमा के हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। उस दिन के बाद से हेमा जब भी शाम को निकलती या कोई उसे देख लेता तो उसकी मृत्यु हो जाती। ये देखकर हेमा अपने आप को शाम होते ही कमरे में बंद करना शुरू कर देती है और सुबह होते ही कमरे से बाहर निकलती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तभी वो सोचती है, मैं कब तक अपनी जिंदगी ऐसे बिताऊंगी? मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि मैं और अपने डर के साए में ना जीऊं। ये सोचकर हेमा धरती लोक पर जाती है और गांव वालों से अपने किए की माफी मांगने लगती है। मेरी इस गलती की वजह से ही मेरा ये हाल हुआ है और मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। हेमा का शांत स्वभाव देखकर गांव वाले उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी दिन से वो आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी बिताने लगती है। वो गांव वालों की मदद करना शुरू कर देती है। उनका काम हो या कोई सामान लाना हो या खेतों में काम हो, वो बिना झिझक के कर देती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है और दिन महीनों में बदल जाते हैं। हेमा का ये स्वभाव देखकर गांव वालों को उस पर तरस आता है, जिसके बाद वो साधु से मिलने जाते हैं। परी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम आपसे विनती करते हैं कि आप उसका श्राप वापस ले ले। वो अपनी ही की हुई गलती का पश्चाताप कर चुकी है, आपसे निवेदन है कि आप परी को इस श्राप से मुक्त कर दें। गांव वालों की बात सुनकर साधु हेमा को माफ करने के लिए तैयार हो जाता है और वो हेमा के पास जाकर उससे बोलता है, तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं भी यही चाहता था। अगर गांव वाले तुम्हारे लिए मेरे पास आए हैं तो इसका मतलब यही है कि तुमने सच में अपनी गलती का पश्चाताप किया है। मैं ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर हाँ, मैं तुम्हें ये माला देता हूँ जिसे पहनकर इस श्राप का असर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। माला को पाकर हेमा बहुत खुश होती है और सबको शुक्रिया करके वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से हेमा अपना सारा घमंड त्याग देती है और अपना जीवन अच्छे कामों के लिए न्योछावर कर देती है। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।